आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली में राजनीतिक स्थिति साफ होने के बजाय उठापटक तेज हो गई है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सरकार बनाने या फिर चुनाव कराने को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक के लिए इस सुनवाई को अब टाल दिया है। इसीलिए अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दिल्ली में क्या होगा? क्या LG होम मिनिस्ट्री से यानी गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद BJP को सरकार बनाने का न्योता दे देंगे और BJP इसे स्वीकार कर लेगी? क्या BJP की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है? खबर यही है जो गृह मंत्रालय के सूत्रों से हमें मिल रही है कि LG की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने मुहर लगा दी है और अब ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहां से होते हुए LG तक पहुंचेगी, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। उसके बाद LG BJP को यानी कि सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या कुछ हुआ है बता रहे हैं प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर, सबसे पहले ये बताइए कि सभी पक्षों ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा इस सुनवाई को टाले जाने से पहले? प्रभाकर, मुझे सुन रहे हैं आप? जी, हमारे सवाल हो रहे हैं। प्रभाकर, सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा सुनवाई टलने से पहले? मानक, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो स्टीम की बात की गई थी, जैसे सुनवाई शुरू हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से फली नारीमन खड़ा हुए और उन्होंने बात करी कि किस तरह से एक फैक्ट आया है और स्टिंग सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से BJP के नेता हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। तो जैसे इस मामले की शुरुआत हुई, जो मामले 5 सदस्यीय बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस सत्तू, ने मुस्कुराते हुए सवाल कर दिया कि व्हाट इज दिस हॉर्स ट्रेडिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का नाम कैसे आया, और इसी पर थोड़ी सी चर्चा हुई और चर्चा के बाद एक तरह से कहे कि आम आदमी पार्टी का जो सबसे मजबूत हथियार आज की सुनवाई में के तौर पे इस्तेमाल किया गया था वो फुस हो गया कोर्ट के सामने। कोर्ट ने उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद केंद्र सरकार से पूछा कि आपको 5 हफ्ते का कोर्ट ने समय दिया था कि आप दिल्ली में दिल्ली विधानसभा को लेकर आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि 4 सितंबर को उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को इस मामले में लिखा है और राष्ट्रपति की तरफ से जवाब की का इंतजार किया जा रहा, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है और जैसे ही जवाब आएगा उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंगली सरकार कुछ एक्शन लेगी। उसके बाद इसमें जो स्टेक होल्डर्स जो है, पोलिटिकल पार्टीज है, उनसे किस तरह से कंसल्टेशन होगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने समय मांगा और उसके बाद ये मामला कुल मिलाकर 10 अक्टूबर तक के लिए चल गया है। इस बीच में निश्चित तौर पर कोई निश्चय नहीं, कोई रोक नहीं है। सरकार जो प्रोसेस कर रही थी वो करती रहेगी। और प्रभाकर, आपको रोक रहा हूँ इस समय, केजरीवाल कुछ कह रहे हैं उसको पहले सुन लेते हैं। क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर, और यहाँ से हमें जरूर न्याय मिलेगा। और अब देखते हैं, LG साहब ने अभी पता चला है कि रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकार को कि BJP को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। अब मुझे तो समझ नहीं आता LG साहब ने कौन से तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी है, क्योंकि BJP ने दिसंबर के अंदर लिखित में LG साहब को मना किया था कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते। LG साहब के पास वही चिट्ठी पड़ी हुई है BJP की। BJP ने अभी तक उस चिट्ठी को विड्रॉ नहीं किया है। उसके बाद BJP ने कोई फ्रेश चिट्ठी नहीं दी है ये लिख के कि उनके पास मेजोरिटी है। तो LG साहब अपनी तरफ से BJP के लिए कह रहे हैं कि BJP को इनवाइट किया जाए, तो LG साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो BJP को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लगता है कि LG साहब BJP के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने अब स्टिंग ऑपरेशन से अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा का पूरा हमला LG की तरफ मोड़ दिया है। सुना आपने, यानी इससे साफ हो गया है, कल जब से यह स्टिंग ऑपरेशन BJP के नेता के खिलाफ सामने आया तब से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आम आदमी पार्टी कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में इसे रखेंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, FIR कराएंगे। लेकिन आज जैसे प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशों और स्टिंग ऑपरेशन के बीच कोई संबंध नहीं है, जैसा हम आपको पहले बता रहे थे। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, इसका मतलब अब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है
कि दिल्ली में सरकार बनाने की जो कोशिशें चल रही हैं और जो विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, उनका कोई लेना देना नहीं है? निश्चित मानक दो बातें, एक तो ये कि जो आम आदमी पार्टी का आरोप था उस आरोप को गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, और दूसरी जो अहम बात ये हुई कि जब केंद्र सरकार ने बताया कि सरकार कितनी गंभीरता से दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट इज वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट काम कर रही है सरकार बनाने को लेकर जितनी गंभीरता दिखा रही है कोर्ट काफी खुश है। ये एक्सप्रेशन, ये इम्प्रेशन बताने के लिए काफी है मानक कि सरकार यहाँ पर आज बढ़त लेती हुई दिख रही है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने, और निश्चित तौर पर जो सेटिस्फेक्शन दिखाया है कोर्ट ने वो सारे एलिगेशन जो लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहे कि डिक्लाइन करता हुआ कोर्ट ने कर दिया और उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब क्योंकि माइलेज गवर्नमेंट को है, सरकार को है, और जिस तरह से जो सरकार के प्रयासों को कोर्ट ने सराहा है, निश्चित तौर पर जो पिछले दो हफ्ते में जो गतिविधियां हुई हैं, पॉलिटिकल गतिविधियां हुई हैं बीजेपी की तरफ से और पॉलिटिकल गतिविधियां हुई केंद्र सरकार की तरफ से, ये बताने के लिए काफी है कि सरकार भी गंभीर है, और निश्चित तौर पर कोर्ट का डिसीजन बताने के लिए काफी है कि सरकार और जोर शोर से आगे बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल प्रभाकर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में राजनीतिक उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। कल से बीजेपी नेता के खिलाफ जब से आम आदमी पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था, तब से सवाल उठ रहे थे कि क्या सरकार बन पाएगी, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, क्या चुनाव होंगे, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि स्टिंग ऑपरेशन का सरकार बनाने की कोशिशों से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो रखा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर खुशी जताई है कि सरकार बनाने की कोशिशों को सही दिशा में आगे बढ़ा रही है केंद्र सरकार, यानी कि एलजी। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। कुंदन, इसका मतलब यह है कि अब कुल मिलाकर 4 हफ्ते का समय और मिल गया है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। खबर सूत्रों से यह मिल रही है कि गृह मंत्रालय से एलजी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति के यहां से होते हुए जब तक वो रिपोर्ट एलजी के पास वापस आएगी और वो बीजेपी को बुलाएंगे, उसमें कुछ दिन का समय लग सकता है, यानी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय और मिल गया है। कुंदन, बिल्कुल मानक, हमने भी इस खबर को पहले दिखाया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात की अनुशंसा की है राष्ट्रपति को कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में है, इसलिए इनको सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। अब ये बीजेपी को तय करना है कि सरकार कैसे बनाए, और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा और गृह मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा के राष्ट्रपति को भेजी। अब राष्ट्रपति का इंतजार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है, पहली बात। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें सरकार कैसे बनाई जाए, क्योंकि 2-3 विकल्प है। एक विकल्प, जैसा कि संविधान विशेषज्ञ पहले बता रहे थे कि दिल्ली एनसीटी एक्ट सेक्शन 9 का हवाला देके कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस को बोले कि आप अपना एक नेता चुन लीजिए और उसमें सीक्रेट बैलेट के थ्रू एक नेता का चुनाव हो जाए। दूसरा विकल्प यह है कि एलजी भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा बुलाए सरकार बनाने के लिए, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इन सारे कई सारे विकल्प हैं जिन विकल्पों को भारतीय जनता पार्टी तलाशना चाहती है, और निश्चित रूप से आज जिस तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उस बैठक के बाद पार्टी कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेगी। लेकिन पार्टी के पास एक राहत भरी खबर यह है कि चूंकि अदालत से उसे 4 हफ्ते का समय मिल गया है, इस समय में वो अपनी रणनीति को और भी पुख्ता तरीके से जनता के सामने और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने भी पेश करे, क्योंकि उसे 2 फ्रंट पर लड़ना है। एक तरफ जनता को भी यह बताना है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसे सरकार बनाने की कवायद की तरफ भी आगे बढ़नी है। तो इन दोनों मुद्दों को एक साथ देखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी रणनीतिकार है वो रणनीति में लग गए हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम आई है कि उसे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय मिल गया है जिसमें वो विचार कर सकते हैं कि आगे करना क्या है। मानक, बिल्कुल, इस समय जेडीयू के नेता शोएब इकबाल कुछ कह रहे हैं, उसको भी जल्दी से सुन लेते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शोएब। अरविंद तो हो ही जाएंगे, कौन बना कर रहा है, तो जब भी तो हमारी मीटिंग हो रही है। हाँ, बताएं, थोड़ी मीटिंग हो रही है, कोई चुनाव की रणनीति पे मीटिंग नहीं है, किसी और चीज पे मीटिंग नहीं है, सिर्फ इसी बात को लेकर बनवाना चाहते हैं। इसमें 2 में से 1 कारण बताइए कौन सा ज्यादा बड़ा है, बीजेपी को सरकार से दूर रखना चाहते हैं या चुनाव से दिल्ली को बचाना चाहते हैं? कौन सा? चुनाव से भी दिल्ली को बचाना चाहते हैं, उसके अलावा जो पैसा लगेगा, जो रुपया लगेगा वो बचेगा, फिर इतनी जल्दी फिर 4-5 महीने और काम रुक जाएंगे, जो आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद तो भी काम 3-4 महीने और भी नहीं होंगे। इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं, जनता को भेदता परेशानी हो रही है, हमको परेशानी हो रही है, तो एमएलए कहाँ जाएं, किससे बात करें, क्या करें? तो हमारा तो दोनों ही है कि बीजेपी भी रुक जाए और अपना ये सरकार भी बन जाए। तो सुना आपने, ये जेडीयू के विधायक हैं शोएब इकबाल, जो कि ये कह रहे हैं कि हम
आपस में बात कर रहे हैं, बीजेपी के जितने भी विरोधी दल हैं कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बन जाए और बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जाए, अपनी सरकार बना लें और चुनाव भी ना हो। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जेडीयू के विधायक क्या कुछ गुल खिला पाते हैं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं अगर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला तो एलजी के सामने अपने सारे के सारे एमएलए हम परेड करेंगे। एक बार फिर से प्रभाकर के पास आपको ले चलते हैं। प्रभाकर, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट से इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे अरविंद केजरीवाल, खाली हाथ लौटे हैं आज अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए तमाम तरह के कोशिशें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एलजी से पहले ही उन्हें नाकामी मिली है। अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी खाली हाथ लौट गए। निश्चित तौर पर मानक, आज के लिए अगर कहें कि एक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस हथियार को लेकर ये लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट, तो उस स्टिंग को लेकर कोर्ट ने उसे संज्ञान में लेने से करीब करीब मना कर दिया, पहली बात। और दूसरी बात मानक, अगर मैं कहूं कि 5 हफ्ते पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से कहा था कि उनकी चिंता उन लोगों के बारे में, दिल्ली के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने चुनाव में लोगों को वोट दिया था, लोगों को जिताया था, विधायक आए थे जीत करके, और ऐसे में अगर दिल्ली के लोगों को सरकार नहीं मिल रही है तो इसके लिए गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, सरकार से कोर्ट ने कहा था। और आज जब सरकार ने कहा कि सरकार गंभीर है, सरकार ने अपने द्वारा किए हुए प्रयासों को बताया कि किस तरह से उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखा, एक प्रोसेस है जो ऑन है, प्रोसेस एक प्रक्रिया जारी है, और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी संतुष्टि जताना और खुशी जताना ये बताने के लिए काफी है कि सरकार के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग रही है और आगे भी जो प्रयास होंगे और बढ़ जाएंगे बीजेपी की तरफ से, जो सरकार की तरफ से प्रयास है, और निश्चित तौर पर ये प्रयास बढ़ने का मतलब होता है, एक संकेत है कि किस तरह से दिल्ली में हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार। ठीक है। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत ही बड़ा झटका लगा है जब उनके स्टिंग ऑपरेशन को कोर्ट ने गंभीरता से लेने से साफ इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार की दिल्ली में सरकार बनवाने की कोशिशों पर खुशी जाहिर की है, लेकिन आम आदमी पार्टी हार नहीं मान रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं किसी भी कीमत पर फिलहाल जो हालात है उनमें बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे, चाहे एलजी के सामने अपने विधायकों की परेड करवानी पड़े।